डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो टेंथ क्लास के लिए जो हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे वो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ रहे थे, यानी एपी, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते उसको? समांतर श्रेणी। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर सवाल तक के पढ़ा था। चलिए उसके आगे 13 नंबर सवाल से पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? जरा बात को समझिएगा कि बोला क्या जा रहा है। तीन अंक की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, जरा बात करते हैं तीन अंकों वाली संख्याएं क्या क्या होती है। तो तीन वाली संख्या है 247, 512, 898, 101, 100, 999, ये सब को हम लोग बोलेंगे तीन अंक वाली संख्या। समझ में आ रहा हो? तीन अंक का मतलब क्या कि वो तीन अंक से बना हुआ होना चाहिए, और वैसा कितना तीन अंक से बना हुआ संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कटता है, 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब जरा अच्छे से समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि तीन अंक की कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। सवाल में तीन अंक बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली अगर कोई पूछता हमसे कि भाई तुम ऐसा नंबर बताओ, ऐसा अंक संख्या बताओ जो 7 से कटता हो, 7 से क्या हो? कटता है। तो हम क्या बोलते भाई कि देख लो, 7 भी जो है ना 7 से कटता है, 14 भी जो है 7 से कटता है, 21 भी कटता है, ठीक है, 98 भी कटता है, कटता है, फिर 105 भी कटता है, ऐसे कर करके हम लोग आगे बहुत सारी संख्याएं बता सकते हैं जो 7 से कटता हो। लेकिन यहां पे ये सवाल नहीं बोला कि आप 7 से कटने वाली संख्या बताओ, ऐसा सवाल नहीं बोला। हमें सवाल बोला कि 7 से कटे भी और वो तीन अंक की संख्या होनी चाहिए। अब जरा अच्छा से समझो, तीन अंक का मतलब आप उसको 7 नहीं बता सकते हो, 14 नहीं बता सकते हो, 21 नहीं बता सकते, 98 नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये दो अंक वाला है, कटता जरूर है 7 से, 7 × 14, 14 जो है 7 से कटता है, लेकिन सवाल में बोला कि भाई तुमको तीन अंक का बताना है, तो तुम 14 कभी नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुआ कि हमें तीन अंक वाला कितना ऐसा संख्या होगा जो 7 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि तीन अंक के छोटी से छोटी संख्या क्या है भाई। तो अब हमको पता चला कि अच्छा, 7 से कटे और तीन अंक वाला संख्या हमें चाहिए। तो तीन अंक का जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है, तीन अंक का जो छोटी संख्या है वो होता है 100, और तीन अंक का बड़ी संख्या जो होता है 999 होता है। ये तो आपको पता है, पता है ना कि तीन अंक की छोटी संख्या कितनी भाई? 100, और तीन अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी? 999। ठीक है, अब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि 7 से कटने वाला इसके बीच में कितना है। यानी कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप 100 से लेकर 999 में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से पूरा पूरा कटेगी। कुल मिलाकर तो बात यही ना हुआ, क्योंकि तीन अंक तो इतना इतना के बीच होता है। अगर इससे आगे बढ़ोगे आप तो वो 4 अंक में चला जाएगा 1000, इससे पहले अगर बात करोगे 99 तो वो चला जाएगा 2 अंक में। तो हम लोगों तो ना तो 2 बोल रहे हैं ना तो 4 अंक बोल रहे हैं, स्पेशल बोल रहे हैं 3 अंक। तो अब आपको सोचना ये है, अब सोचना ये है कि 7 से कटने वाला का जरा एपी हम लोग बनाते हैं। ये कितना नंबर है भाई? 13 नंबर में है। तो 13 नंबर के लिए आप एपी जरा सोचो,
ऐसा है कि जो सात से कटे तो क्या सौ जो है सात से कटता है? आप सौ को डिवाइड कर लो कि सौ जो है सात से कटता है कि नहीं। सात एकम सात, तीन जीरो सच्चो अट्ठाईस, दो शेष बच गया, यानी कि सौ नहीं कटता है। तो हमको सौ से नहीं शुरू करना होगा एपी को। आप 101 देख लो कि कटता है कि नहीं। तो सात एक जा सात और तीन और एक सच्चो अट्ठाईस और यहां पे पांच नहीं कट रहा है। आप 102 को चेक करिए, क्योंकि हमें तो ये गारंटी है कि 100 से लेकर 999 के बीच ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है जो सात से कटे। तो 102 को चेक करें, क्योंकि 100 भी नहीं कट रहा है सात से, 101 भी नहीं कट रहा है, 102 को चेक करते हैं सात से। तो सात एकम सात, तीन दो सच्चो अट्ठाईस और चार बत्तीस नहीं हो रहा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, फिर यहां पे देख पा रहे होंगे 103 को करिए। तो सात एकम सात, तीन तीन सच्चो अट्ठाईस और पांच ये भी नहीं कट रहा है। चलिए 104 पे चेक कर रहे हैं। यानी सबसे पहला आपको ये सोचना है कि एपी शुरू कहां से करेंगे। तो वहीं से शुरू करेंगे जो कटे, तीन अंक वाला कटे, ठीक है। तो 103 तक के चेक ये नहीं कट रहा है। 104 को भाग करते हैं सात से, सात एकम सात, तीन चार सच्चो अट्ठाईस, छ नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 105 को कटेंगे, सात एकम सात, सात पच्चे पैंतीस। देख पा रहे होंगे कि 100 से जब हम लोगों ने शुरू किया चेक करना, तो कौन सी संख्या पकड़ाया जो सात से कट रहा है? 105। तो आपने लिखा यहां पे 105। वैसे ही और अब आगे सोचेंगे तो 105 में सात जोड़ेंगे यानी कि 112 वो अगला संख्या होगा जो सात से कटेगा। और 112 के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, 119 का नंबर आएगा। ऐसा करते 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 क्या अंत 999 लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, पहले 999 को चेक कर लो। तीन अंक का तो बोला है ठीक है, लेकिन 999 को आप चेक करो कि सात से कटता है, क्योंकि वैसा ही अंक का हम लोग एपी बनाएंगे संख्या का जो सात से कटता है। तो बड़ा से बड़ा सोचिए अंक कि अंत में क्या हो सकता है जो सात से कटे, क्योंकि सात से कटने वाला शुरू से हम लोग एपी बना रहे हैं, तो अंतिम में भी तो सात से कटने वाला होना चाहिए। तो 999 को आप चेक करो कि कटता है कि नहीं कटता है। तो सात एकम सात, दो नौ सच्चो अट्ठाईस, एक नौ सात दो नौ चौदह, पांच नहीं कट रहा है। आप वैसे ही करते 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 फिर उसके बाद कितना चेक करेंगे, तो उसके पहले चेक कीजिए 998 चेक कीजिए, तो ये भी नहीं कटेगा। 997 चेक कीजिए, ये भी नहीं कटेगा। और 996 चेक कीजिएगा, नहीं कटेगा। 995 ये भी नहीं कटेगा। 994 जाकर कटेगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि आपको पीछे लास्ट कितना तक जाएगा 100 और 999 के बीच कौन कौन सा होगा? तो शुरू में तो 105 कटेगा, फिर 112 कटेगा, फिर 119 कटेगा। ऐसा करते करते क्या 999 तक जाएंगे? नहीं, वैसा ही संख्या तक जाना होगा जो सात से कट रहा होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 999 तक नहीं, हमको तो बोला कि तीन अंक वाला तक चला चलिए, लेकिन सात से कटना चाहिए। तो तीन अंक का तो 999 है, लेकिन ये कट नहीं रहा था। उसके पहले चेक किया तो पता चला कि लास्ट जो हुआ वो 994 तक लास्ट हो गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे जो इतनी सारी लेक्चर हुई ऐसे ही सवालों में, तो आपके सोचने शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए हम आपको इतनी सारी बातों को बताया। हालांकि जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना, हल करेंगे, तो डायरेक्ट आप 13 का हल करेंगे तो एपी बनाइएगा 105, 112, 119, 994, ठीक है। अब इसमें क्या क्या का वैल्यू दिया है तो लिखिएगा यहां
ए का वैल्यू दे दिया 105, ठीक है। डी का मान कैसे निकालते हैं, तो बाद वाला में से पहले वाला किसी का भी घटा लीजिए 119। क्यों, देखिए सात सात का ही अंतर क्यों किए हैं, क्योंकि 105 जब कट रहा है तो अगला बार सात से डिवाइड तभी ना होगा जब इसमें सात ऐड करेंगे, और नहीं अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है तो 105 तो सात से कटता है। अब उसके बाद 106 को चेक करो, 107 को चेक करो, 108 को, फिर आपको पता चलेगा कि अगला नंबर 112 मिल रहा है जो सात से कट रहा होता है। फिर 113 को चेक करो, फिर पता चलेगा 113 114 को चेक करेंगे तो 119 कटेगा। तो कटने वाला का एपी बना लीजिए, तीन अंक वाला का बना लिया, तीन अंक का एपी जो सात से कटता है। यहां से ए का वैल्यू निकाल लिया, डी का वैल्यू निकाल लिया, और अंतिम में लास्ट टर्म अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है। एन का वैल्यू कितना है 994। अब भाई इसी में तो बोल रहा था कि कितना संख्या होगा, तो 100 से लेकर 999 तक के बीच में कितना ऐसा संख्या होगा जो सात से कटेगा। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ऐसे ही ना करते करते काउंटिंग करते करते 994 तक आएंगे, यानी कि पदों की संख्या। अगर इस एपी का पदों का संख्या निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो संख्या पता चल जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एन का वैल्यू निकाल देना है, और मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि आप इसमें से सूत्र का इस्तेमाल करके, और कौन सा सूत्र, हजार को थोड़े ना है यार, एक ही तो सूत्र है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबका वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू मान रख के आप एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से 13 नंबर वाला सवाल में कुछ लोचा नहीं है, बशर्ते आप सवाल पढ़िए और डायरेक्ट एपी बनाइएगा, ठीक है। कितना कितना से बीच में बोल रहे हैं आप, डायरेक्ट एपी देखो। अब ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है, लाइफ का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना 10th क्लास में, तो हम लोग के लिए भी उतना सोचने समझने का शक्ति नहीं था, और आप अभी इन चीजों को समझ लिए। अब जब कभी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आएगी, आप डायरेक्ट एपी लिखना कि क्या कहा जा रहा है सवाल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि मतलब क्या सर एक घंटे एक क्वेश्चन को आप 15-20 मिनट में बताते हो, ये सब क्या है, कुछ नहीं यार। मेरा एक ही सिद्धांत है, आप चीजों को सीखो, एक क्वेश्चन को आधे घंटे में सीखो, लेकिन जिसको सीख लो कभी दोबारा उसको भूलो नहीं। यानी कि आप ज्यादा टाइम लो शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सीख लो, ये नहीं कि हड़बड़ में जल्दी 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 क्वेश्चन करा और बाद में फिर समझ ही नहीं पाया क्या कि हम चाहते तो डायरेक्ट, क्योंकि हमको तो पता था ना भाई इसका एपी ऐसा ऐसा बनेगा, आपको बोल देता, एन का वैल्यू निकाल के देता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब आपके अंदर वो सोचने समझने का शक्ति नहीं पता चल रहा है कि एपी आखिर ऐसा लिखा क्यों गया। चलिए ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या होता है, लिखा जाए 14 लिखा नहीं जाए, समझा जाए। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 और 250 के बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सोचने समझने का जो शक्ति भी बढ़ाए हम थोड़ा सा, आपको फिर से वैसे ही सवाल मिल रहे हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? देखिए कभी भी गुणज से लेकर, गुणज अब बोल दिया तो गुणज का भी मतलब होता है 4 से कटने वाला, ठीक है, 4 से कटने वाला। लेकिन कितना कितना के बीच बोला भाई, तो 10 और 250 के बीच, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसमें भी हम लोग एपी बनाएंगे, हमको क्या बोला कि 10 से लेकर 250 के बीच आपको ऐसा नंबर बताना है जो 4 का क्या हो, गुणज हो। गुणज का मतलब कटने वाला हो, विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो। अब आप सोचो अगर हम ये बोलते कि 4 का गुणज बताओ या 4 से कटने वाला नंबर बताओ, तो तुम कहां से शुरू करते भाई कि 4 देखो 4 से कट जाता है, फिर आप कहते 8 देख लो भाई 4 से कटता है, फिर देख लो 12, फिर ऐसे ना शुरू करते,
जब हम ये सिर्फ बोलते कि चार से कटने वाला बताओ, चार से विभाज्य वाली संख्या बताओ, आप चार से शुरू करते, राइट। अगर हम ये बोलते कि चार से कटने वाला नंबर बताओ लेकिन दस से बड़ा होना चाहिए, तो तब क्या तुम चार बताते? नहीं। तब क्या तुम आठ बताते? नहीं। तब क्या तुम दस से बड़ा तो तुम ग्यारह पर चेक करते? अगर मान लिया कि तुमको गुना भागा नहीं आ रहा होता है तो तुम ग्यारह को चेक करता कि अच्छा सर तो बोल रहे हैं कि दस से बड़ा नंबर बताओ जो चार से कटता, तो दस से बड़ा तो ग्यारह होता है भाई, और ग्यारह चार से कटता है क्या? नहीं कटता है। तो हम एपी कहां से शुरू करेंगे? सिंपल बारह से शुरू करेंगे। अब अगला टर्म क्या होगा? तो बारह के बाद और कौन सा संख्या तुरंत आएगा जो चार से कटेगा? तो तेरह नहीं कटेगा, चौदह नहीं कटेगा, पंद्रह भी चार से नहीं कटेगा, सोलह कटेगा। अब आपको पता चल गया कि ओ हो हो ये तो ये भी बन रहा है बारह सोलह बीस, राइट, चलते जाएगा। लेकिन हम अब बोल रहे हैं कि 250 तक ही होना चाहिए। आप जो है ऐसा नंबर सोचो, ऐसा संख्या बताओ जो 10 से बड़ा है, ये तो हो गया। अब हम बोले कि ऐसा आप बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो 250 से तुरंत छोटा होना चाहिए। तो 250 से छोटा का मतलब तुम 249 पे चेक करते हैं। अरे भाई लास्ट तो हमको 10 से 250 के बीच जाना है ना, तो शुरू का तो सोच लिया, अब लास्ट कहां तक तुम एंड करोगे? 250 के बीच बोले तो 250 के पहले तुम 249 को चेक करेगा कि 249 जो है चार से भाग लगता है कि नहीं। तो चार छक 24 कट गया, 9 चार दुना का 8, ये तो पूरा नहीं कट रहा है, सॉरी एक से बचेगा, ये तो पूरा नहीं कट रहा है। अब तुम क्या करेगा? 249 पे भी नहीं हुआ, उससे एक कम सोचेगा, 248 पर चेक करेगा, ठीक है। तो अब 248 पर चेक करेगा तो देख लो 248 पर कि चार से कटता है कि नहीं। तो चार छक 24 कट गया, 8 चार दुना का 8, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे चीजें क्या बोल रही है कि अब जो एपी बना 12 16 20 कहां तक भाई? 248 तक। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 250 तक बोला जा रहा था, तो इसलिए एपी जब बन गया तो इस एपी में अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो यहां आपको ये पता चल गया, क्या पता चला? यही कि यहां दिया है, ये सब क्या है ना, ये दिया है, लिखा हुआ है, ए का मान बी का मान, ये सब थोड़ा सा मैथ्स में सिस्टमैटिक तरीके से बनाने का एक फॉर्म होना चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल ड्रेस में जाते हैं, ये सब सारी व्यवस्था होती है जाने का। बात रहा कि पढ़ना ही सिर्फ रहता तो स्कूल ड्रेस का क्या वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे उसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्यूशन किया जाता। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे एन बराबर ए बराबर ए हो, बहुत सारे स्टूडेंट वैसे ही करते हैं क्या, ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस टू एन की जगह पे 200। भाई तुम्हारा सही है, ऐसा नहीं है। कभी कोई स्टूडेंट बिना स्कूल ड्रेस के गए भी स्कूल में कुछ सीख सकता है, लेकिन उसके लिए जो सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाई गई है उससे वो बाहर रह जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप ये लिखिएगा कि यहाँ दिया है, ये सब बनाने का कुछ तरीका है कि ए का वैल्यू मैंने साफ साफ लिखा 12, डी का वैल्यू, भाई तुमको समझ में आ रहा है भाई कि 4 डी है, डी का वैल्यू 4 है, 4 4 का बढ़ रहा है, या फिर बीच में से, फिर भी तुम यहाँ पे अच्छे से दिखाओगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग से है, ठीक है। एग्जामिनर चेक वाला करने वाला देखता है कि नहीं भाई सब कुछ सही करते जा रहा है। डी का वैल्यू लिख दिया, अब एन का वैल्यू कितना है 248, तो एन का तो वैल्यू निकालना है भाई, तो भाई जो हजार गो सूत्र बताया है ना उसी में से लगाना है, एन का वैल्यू निकाल देना है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दिस दैट के एनवे पद बराबर होंगे। देखिए अब बोल क्या रहा है 15 नंबर सवाल में, जरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
और आपको अच्छे से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई आपको जो है ना दो गो एपी दिया है 15 नंबर सवाल में दो ठो एपी दिया है। पहला एपी क्या दिया जरा देखते हैं, इसमें जो एपी का मान है वो क्या दिया है 63, 65, 63, 65, 67 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा जो एपी दिया है यानी कि एक ही सवाल में दो गो एपी दे दिया, एगो 3, 7, 3, 10, 17 डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है हमको पता नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि किस मान के लिए दोनों का जो है एनवा पद बराबर होगा। एनवा पद का मतलब अब समझना है, यानी कि ऐसा कौन सा पद रहे, जैसे मान लिया कि इसका तीसरा नंबर पे कौन आ रहा है 67, तो इसका तीसरा नंबर पे कितना आ रहा है 17। लेकिन सवाल यही पूछ रहा है कि इसको जब आगे बढ़ाया जाए और जब इसको बढ़ाया जाए तो कौन सा संख्या, कौन सा नंबर पे दोनों का मान बराबर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर पे 67, तो इसमें भी तीसरा नंबर पे 67 ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एनवा पद बराबर, तो एनवा पद बराबर होना चाहिए का मतलब क्या, अगर एनवा पद 10 होता, एनवा पद 8 होता तब हम उसको एन बोलते हैं। देखिए अब आपको जो है ना आठवां पद 17 है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो आप क्या लिखते, आठवां पद 17 है तो ये 17 बन जाता है एन का मान, और वहां के पहले जो नंबर रहता है वो हो जाता है एन का मान। यानी हम क्या बोले हैं पहले कि अगर 10वां, 12वां, 14वां, 88वां रहे वो हो जाता है एन का मान। ध्यान दीजिएगा, अगर आठवां पद 17 होता तब वो हो जाएगा एन का मान, तो इसमें भी बोल रहा है कि एनवां पद बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो एनवां पद बराबर होना चाहिए, तो एनवां पद को मान लेंगे हम लोग एक्स, तो जब एनवां पद एक्स मानेंगे तब वो एन का मान हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा जाए कि माना कि एनवा पद कितना है दोनों का बराबर होना चाहिए, तो जब हम इसमें एक्स मानेंगे तो इसमें भी एक्स मानना होगा, तो यहां पे भी लिखा जाए माना कि एनवा पद एक्स है, तो जब एक्स है तो इसमें भी लास्ट टर्म एक्स तक जाएगा और इसमें लास्ट टर्म एक जाएगा, इसलिए अब यहां पे लिख दीजिए कि एन का मान कितना हो गया एक्स, यहां पे अब हो जाएगा एन का मान हम एक्स। ए बराबर कितना सवाल में दिया है 63, ए बराबर सवाल में कितना दिया है 3, डी का मान कितना दिया है, डी का मान 65 में से 63 घटा दो, 65 माइनस 63 = 2, यहां पे डी का मान कितना दिया 10 माइनस 3 = 7, तो यहां से भी एन का मान निकालना है और यहां से भी एन का मान निकालना है। अब फार्मूला सूत्र से चलेंगे, यहां पे सूत्र से कौन सा सूत्र भाई, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन के जगह पे कितना, तो एन के जगह पे एक्स पर बराबर ए के जगह पर 63, एन के जगह पे तो निकालना है तो एन का एन छोड़ देंगे माइनस वन, और डी कितना 2, ठीक है। यहां से भी आप चलिए सूत्र में, सूत्र से कौन सा सूत्र, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह पे कितना रखना है लास्ट में एक्स है, इज इक्वल टू ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 7, ठीक है। अब इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2, क्योंकि दो को समीकरण है,
और दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, तो बाएं तरफ का वैल्यू अगर इक्वल रहता है, बाएं तरफ में एक्स एक्स है तो दाहिना तरफ भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये एक रूल्स है, ध्यान दीजिएगा, एक मैथ्स का प्रॉपर्टीज है कि कोई भी दो समीकरण का अगर बायां वाला साइड अगर इक्वल हो जाता है तो दाहिना वाला भी क्या है, इक्वल हो जाएगा। इतना चीज आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम ऊपर से मिटाते हैं। तो क्या मिलेगा यहां से, अब लिखिएगा समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। तो एक और दो में हम क्या बोले कि जब बाईं तरफ वाली चीजें बराबर होती है तो दाहिने तरफ वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां दाहिने तरफ क्या है, तो इसलिए यहां हो गया 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू बराबर, यहां इंटू ले सकते हैं या डॉट ले देते हैं, यहां दोनों तरफ का बराबर होगा तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। यानी कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, जब दो समीकरण में अगर बाएं साइड वाला अगर इक्वल रहता है तो दाएं साइड वाला क्या होगा, इक्वल होता है, ये रूल्स होता है। चलिए इसको जरा अच्छा से सॉल्व करते हैं, तो 63 2 को n से गुना कीजिए, 2n 2 को माइनस एक से माइनस 2, 3 प्लस 7 को n से मल्टीपल कीजिए 7n, यहां हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। n को एक तरफ लाएंगे तो यहां n का वैल्यू कितना है, 2n, ठीक है, और ये वाला 7n है, इधर आएगा तो माइनस में 7n बचेगा और बराबर, इधर से 7n जब इधर आ गया तो इधर बच क्या रहा है, 3 माइनस 7, और ये वाला जो नंबर है सबको उधर साइड ले गए, 63 को उधर ले जाएंगे माइनस 63, ये माइनस 2 को उधर ले जाएंगे प्लस में 2, तो टोटल मिलाकर यहां कितना बच रहा है, माइनस में 5 है। जब इसका जोड़ घटाओ करेंगे तो कितना बनेगा जरा देख लीजिए, 63 और 7 कितना हो गया, 70, और 70 में 5 तो यहां हो जाएगा माइनस 65, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों तरफ रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 65/5, तो आंसर इसका हो जाएगा 13, यानी कि इसका जो 13वां पद जो है दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 15 था ना, 15 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, देख पा रहे होंगे 16 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 16 में जरा क्वेश्चन देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब तो समझ रहे हैं, एपी का मतलब होता है प्रथम पद ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है भाई, तो एपी का मान निकालना है कि क्या होगा, एपी का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, अब लिखिए दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, तो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है, तीसरा पद कितना है 16, आप लिखिएगा कि तीसरा पद बराबर 16। इसलिए इस तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बोलना है आठवां पद रहेगा तो आपको a प्लस 7d लिखना है, तीसरा पद रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। इसको समीकरण नंबर एक मान लेना है अभी, ठीक है। चलिए अब सवाल में क्या दिया है भाई, सवाल ये दिया है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखिए सवाल क्या बोला कि सातवें पद पांचवें पद से, देखिए एक तरफ सातवें पद है एक तरफ पांचवें पद है, तो पांचवें पद से सातवां पद जो है 12 ज्यादा है। तो हम एक क्वेश्चन पीछे भी बताए हैं कि
पांचवें पद से 12 ज्यादा कौन है? सातवा ना, तो जरा आप लिखा हुआ है वैसा सोचिए, आपको क्या पता चलेगा, एक तरफ सातवां पद है एक तरफ पांचवां पद है, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो हम क्या बोले कि आप उल्टा काम कीजिए, यानी कि ये 12 ज्यादा बोल रहा है तो आप इसमें जो है 12 जोड़ दीजिए। सवाल समझ में आया? सवाल क्या बोला ये, अब के बाद में अब जो है मैंने अब नया उसके आगे जब हम लोग पढ़े तो अब लिख दिए हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से भी लिख सकते हैं, तो जो अच्छा लगे, तो प्रश्न से भी लिख सकते हैं या अब भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से जब चल रहे तो हमको क्या पता चला कि सातवें पद जो है पांचवें पद से 12 ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इधर 12 नहीं जोड़ेंगे, दूसरे तरफ 12 जोड़ेंगे, ये मैथ का रूल नियम है, आप इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उल्टा पहले भी हम लोग किए हैं सीखे हैं, तो यहां से हमको क्या पता चला, सातवें पद को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस 6d बराबर, पांचवें पद को कुछ लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस में 12। ठीक है, अब आप देखिए तो इधर a प्लस 6d इधर a आएगा तो माइनस में a, 4d इधर आएगा तो माइनस में 4d बराबर में 12, तो a प्लस में वो माइनस में कट जाएगा, तो 6d में से 4d घटाइए तो कै डी 2d बराबर 12, इसलिए d का मान कितना होगा तो 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया 6, जब d का मान 6 आ गया तब आप समीकरण 1 से चलिएगा, तो अब लिखिएगा इधर पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है तो a प्लस 2d बराबर में 16, तो d का मान कितना आया है 6, तो d का मान यहां 6 रख के a का मान निकालना है, तो a का वो ऐसे छोड़ दीजिए 2 × d का मान कितना 6 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, इसलिए a का मान कितना आ गया 16 − 12 = 4। देखिए तो यहां से a का मान आ गया, यहां से d का मान आ गया, तो जब a और d का मान आ गया तब हम लोग एपी नहीं लिख सकते हैं, तो अब लिखेगा उसके नीचे, इतना चीज करने के बाद फिर लिखेगा अतः एपी जो बनेगा वो कहां से शुरू होगा तो प्रथम पद से, यानी कि 4 से शुरू होगा तो 4 हो गया, फिर डी कितना तो 6, तो 4 में 6 जोड़िए तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, ऐसे ही ETC इत्यादि, यही एपी बना देना था, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास को बस यहीं तक एंड करते हैं, आप चीजों को अच्छे से समझे हैं, बार बार रिवीजन कीजिए, और जो क्वेश्चन हम फिलहाल छोड़े हैं आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।